કચ્છ જિલ્લાના રતનાલ ગામના દીપકભાઈ રણછોડભાઈ આહિરની ઘોડી ગામ ભુજ તાલુકાના ધ્રંગ ગામની અંદર દાદા મિકરણના મેળામાં ઘોડા રેસની અંદર બીજો નંબર લઈ આવ્યા બદલ હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. ગ્રામજનો દ્વારા તેમને તથા તેમની ઘોડી કચ્છની અંદર પ્રખ્યાત ઘોડી માણકીને વિજય બદલ દીપકભાઈના પશુઓ પ્રત્યેની લાગણી જોઈને અને લોકોનો ખૂબ આનંદ આવ્યો હતો. દીપકભાઈની મહેનત જોઈને અભિનંદન ગ્રામજનોએ પાઠવ્યા હતા. ફ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, કચ્છ. की ऐसी उत्सुकता देखकर आज हम रतनाल गांव में आए हैं दीपक भाई से मिलने के लिए. तो दीपक भाई से हम पूछेंगे, दीपक भाई ये घोड़ी आपके पास कितने सालों से है? जी भाई, ये घोड़ी हमारे पास 3 महीने की थी तब आई थी. अभी ये 4 दांत लगी है, 3.5-4 साल के करीब हुई है अभी. अच्छा अच्छा, और आप कितने सालों की होगी ये घोड़ी? 4 साल की होने को आई है अभी. और दीपक भाई, आपको ये घोड़े पालने का शौक कितने सालों से, कैसे हुआ? भाई बचपन से शौक है, पहले एक घोड़ा लिया था, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया, फिर कई सारे घोड़े आए, काफी घोड़े अच्छे चले, कई घोड़े फेल भी हुए, फिर भी आप डटे रहे या इस घोड़े पालने का शौक ही ऐसा है भाई. अच्छा, ये शौक लगता है तब मरने के बाद ही छूटता है. हाँ, और इसके अलावा और कौन से घोड़े हैं आपके पास? भाई ये कबलक के वो एक सुरंग बच्चा है, ये एक पंच कल्याण घोड़ा है, इसका भाई भी बहुत अच्छा भागता है, वो अभी सूरत में है. और एक घोड़ा है मछलागर के नाम है, वो भी ये वारी घोड़ा है, घोड़ियों पे छोड़ते हैं, अभी वो ब्रीडिंग के लिए एक दोस्त लेके गए हैं. और ये एक घोड़ी है. तो दीपक भाई, आपने इतने सालों में काफ़ी कुछ मेडल लिए होंगे, घोड़ियों ने नंबर लिया होगा, कोई जानकारी? मेडल का तो ऐसा है कि कई अच्छे घोड़े भी आए और कई अच्छे चले, लेकिन नंबरों में जैसे मेडल लिया तो बस यही एक घोड़ी है. और एक घोड़ी पिछले साल थी, एक काली पंच कल्याण, वो रिंग शो में 2nd नंबर पे आई थी. तो आप इधर ही कच्छ में भी जाते हो कि कहीं और भी घोड़ी को लेके जाते हो? नहीं भाई, सिर्फ ये कच्छ में ही लेके है. इस बार ही स्टार्ट की है घोड़ी का, पहला साल है रेसो में. हाँ, तो दोस्तों हमने कल भी इस घोड़ी को देखा था मेले में, ये घोड़ी खूब अच्छा दौड़ रही थी, उसी को ही देख के आज हम रतनाल गांव में आए हैं. खूब अच्छी स्पीड में ये भागती है. दीपक भाई, ये वैसे कितनी तक की स्पीड में भागती होगी आपके हिसाब से? ये 35 से 38 तक भागती है घोड़ी. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. और थक जाती है ऐसे स्पीड में कहीं? नहीं नहीं, ये जितनी लंबी दूरी जाएगी उतना घोड़ी बढ़ेगी. जब स्टार्ट करती है तब 34-35 से स्टार्ट करती है, जैसे ही 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता है तो अपने पूरी रफ्तार पे आ जाती है, 38 तक घोड़ी पहुंच जाती है. अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों इस घोड़ी को हम करीब ले जा रहे हैं कैमरा. खूब अच्छी देखभाल करते हैं घोड़ी का दीपक भाई, और मेरे दोस्त भी है. दीपक भाई थोड़ा चलाओगे ऊपर बैठ के आप? जी जी, तो हमारे दर्शक देख पाए. तो देखिए दोस्तों क्या चाल है घोड़ी की, आप देख सकते हैं. तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये घोड़ी एकदम बढ़िया चाल में भाग रही थी. तो दोस्तों आपको घोड़ी देखनी हो तो रतनाल गांव में आप आ सकते हो, दीपक भाई की मुलाकात ले सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दीपक भाई का नंबर भी डालेंगे. खूब अच्छी है घोड़ी.
तो दीपक भाई, ये घोड़ी ने कहाँ कहाँ पे नंबर उठाए है? जी भाई, ये घोड़ी ने टोटल अभी 5 जगह पे नंबर पे आई है। अच्छा, पहले अपने सबसे पहले स्टार्ट की थी यहाँ मांडवी में। हाँ। थोड़ा है गांव में रेस हुई थी, तब तीसरे नंबर पे आई। उसके बाद लाकड़िया गांव में रेस में डाला, वहाँ पर भी तीसरे नंबर पे आई। फिर हमीरा मोरा यहाँ मुंद्रा तालुके में गांव पड़ता है, वहाँ भी तीसरे नंबर पे आई। बाद में वो नखत्राणा तालुका में सारी फुलाई करके गांव है, वहाँ पर लेके गए थे। वहाँ दूसरे स्थान पे आई थी, लेकिन तीसरा नंबर मिला। लेकिन घोड़ी वहाँ पर भी अच्छा चली थी, थोड़ा निर्णायकों का फैसला भी था तो हमने सराखों पे लिया। और कल हमारे यहाँ बक्कर दादा के मेले में रेस हुई तो वहाँ पर दूसरा नंबर आया। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप दीपक भाई घोड़ी को लेके कितना स्ट्रगल करते हैं, ले जाते हैं गाड़ियों में ले आते हैं। इसकी खूब अच्छी मेहनत है और इसको उसका फल भी मिलेगा, कभी ये घोड़ी फेमस हो ही जाएगी।